जंगल का नाम सुनते ही हमारे मन में हरे भरे पेड़ पौधों के साथ साथ खतरनाक जंगली जानवरों की इमेज आ जाती है। और ये सच भी है, जंगल में बड़े बड़े और विशालकाय खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो चंद मिनटों में किसी का भी कचुम्मर बना सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बड़े और खतरनाक जंगली जानवरों के साथ साथ यहाँ खूबसूरत पक्षी भी पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही खूबसूरत पक्षियों से मिलवाएंगे जो गजब के खूबसूरत लगते हैं। हमें पूरा यकीन है कि इन पक्षियों की खूबसूरती देखकर आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आपको इन ब्यूटीफुल बर्ड से मिलवाते हैं। नंबर 10, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। क्या आप एक ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो पूरी दुनिया में अपने खास तरह के डांस के लिए मशहूर है? बर्ड्स ऑफ पैराडाइज को दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका रंग बिरंगा शरीर न केवल दिखने में ब्यूटीफुल लगता है बल्कि इनकी हरकतें देखकर हर किसी का इन पक्षियों पर दिल आ जाता है। दरअसल एक नर जिस वक्त मादा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पेड़ की शाखाओं पर डांस करता है तो ये नजारा देखते ही बनता है। ये खास तरह का डांस देखने में काफी हद तक माइकल जैक्सन के मून वॉक जैसा लगता है। डांस करते वक्त अगर एक मेल सभी स्टेप्स अच्छे से परफॉर्म करता है और फिर अगर ये डांस मादा को पसंद आता है तो मादा मेट करने के लिए रेडी हो जाती है। नंबर 9, फ्लेम बावर बर्ड। क्या आप एक ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो दिखने में किसी टॉर्च की तरह लगता है? न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये पक्षी दिखने में काफी हद तक एक टॉर्च लाइट जैसे लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके सिर व गर्दन के आसपास मौजूद पंखों पर रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स पाए जाते हैं। वहीं इनके शरीर का कुछ हिस्सा खास तौर पर इनकी पूंछ ब्लैक कलर की होती है। यही वजह है कि फ्लेम बावर बर्ड दिखने में कमाल की खूबसूरत लगती है। शरीर पर पाए जाने वाले अलग अलग रंगों के अलावा इनकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है इनकी आंखें जो गोल्डन कलर की होती है। इन आंखों का असली इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जिस समय ये पक्षी डांस करते हैं और अपनी आंखों को बार बार बड़ी छोटी करते हैं। इस अनोखे डांस और खूबसूरती के चलते ही इन पक्षियों को लोग पसंद करते हैं। नंबर 8, पीकॉक। आप में से शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो मोर के बारे में नहीं जानता होगा। कुछ कुछ हरे और नीले रंग के दिखने वाले ये पक्षी गजब के खूबसूरत होते हैं। यही वजह है कि जो भी इन्हें देखता है वो इनका दीवाना हो जाता है। ये इन पक्षियों की खूबसूरती का ही कमाल है कि पीकॉक को हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का खिताब हासिल है। वैसे हमारी आपको यही सलाह है कि अगर आपको असल में इन पक्षियों की खूबसूरती देखनी है तो सावन के महीनों में नाचते हुए देखिए। हम यकीन से कह सकते हैं कि जिन भी लोगों ने इन पक्षियों को ऐसा करते हुए देखा होगा उनके लिए मोर ही दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी होगा। वैसे आपने कभी इन पक्षियों को बारिश में नाचते हुए देखा है? हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। नंबर 7, म्यूट स्वान। दूध सा सफेद रंग के साथ साथ नारंगी रंग की चोंच और चोंच के आसपास पाए जाने वाले ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के चलते ये पक्षी दिखने में कमाल के खूबसूरत लगते हैं। हंस की ये प्रजाति दूसरे हंस की तुलना में काफी बड़े आकार की होती है। यही कारण है कि स्वान की दूसरी स्पीशीज से अलग म्यूट स्वान का विंग स्पैन 10 फीट के करीब हो सकता है। ऐसे में जब ये पानी में तैरते हैं या झुंड बनाकर खुले आसमान में उड़ते हैं तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पर हमारी आपको यही सलाह है कि इन पक्षियों की खूबसूरती पर मत जाइए क्योंकि जरा सा परेशान किए जाने पर ये चिढ़ जाते हैं। हालांकि ये किसी को कोई खास नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर अगर कोई इनकी शांति भंग करता है तो फिर इनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं रहता। नंबर 6, पर्पल हनी क्रीपर। कैरेबियन कंट्रीज के साथ साथ इन पक्षियों को अमेरिका जैसे देशों में भी पाया जाता है। पर्पल हनी क्रीपर दिखने में कमाल के खूबसूरत होते हैं। इनका करीब करीब पूरा शरीर नीले रंग का होता है। इसके अलावा इनकी चोंच व गर्दन के निचले हिस्सों पर काला रंग पाया जाता है। इसके अलावा इनके पैर नीले रंग के होते हैं। इन्हीं रंगों के तालमेल की वजह से पर्पल हनी क्रीपर को दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। वैसे ये खूबसूरत पक्षी दिखने में काफी छोटे होते हैं और इनका शरीर मात्र 4.5 इंच तक बढ़ सकता है। नंबर 5, टर्कोइज पैरट। पैरट्स की ज्यादातर प्रजातियां जहां पूरी तरह से हरे रंग की होती है वही इस तोते के शरीर पर हरे रंग के अलावा नीला रंग भी पाया जाता है। इस पक्षी का ज्यादातर शरीर भले ही हरे रंग का होता है पर इसके मुंह और पीछे के पंख पर नीला रंग पाया जाता है। इसी वजह से ये न केवल दिखने में खूबसूरत लगता है बल्कि पैरट्स की दूसरी प्रजातियों की तुलना में काफी ज्यादा अलग भी लगता है। हरे रंग के तोते जहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं वही इस पक्षी को ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में ही देखा जा सकता है।
वैसे क्या आपने पहले कभी इन पक्षियों के बारे में सुना था? हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। नंबर 4, विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। क्या आप कबूतर की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जानते हैं जिसके सिर पर हमेशा ताज लगा रहता है? न्यू गिनी और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन दिखने में गजब के खूबसूरत होते हैं। नीले रंग के दिखने वाले ये पिजन दुनिया भर में पाए जाने वाले आम पिजन्स की तुलना में काफी अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीले रंग के इन कबूतरों के सिर पर खास किस्म के पंख होते हैं जो दिखने में काफी हद तक एक बड़े से ताज की तरह लगते हैं। इस वजह से विक्टोरिया क्राउन पिजन को ये नाम मिला है। वैसे नीले रंग के अलावा इन पक्षियों के शरीर के अगले भाग पर वायलेट व मरून जैसे कलर्स भी पाए जाते हैं। वहीं इन पक्षियों की आंखें कुछ कुछ रूबी और रेड कलर की दिखती है। यही वजह है कि इन पक्षियों को जो भी देखता है वो इनको जिंदगी भर नहीं भूल पाता। नंबर 3, स्कारलेट टैनेजर। अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये पक्षी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इन पक्षियों की खूबसूरती का राज है इनके शरीर पर पाया जाने वाला गहरा नारंगी और चमकीला रंग। शरीर पर पाए जाने वाले इन चमकीले रंगों के अलावा इन पक्षियों के शरीर पर काला रंग भी पाया जाता है। ये इन रंगों का ही कमाल है जिसकी वजह से हर कोई स्कारलेट टैनेजर की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। पर ऐसा देखा गया है कि इन पक्षियों का रंग मेटिंग सीजन में आम दिनों की तुलना में और भी ज्यादा चमकीला हो जाता है। इसके अलावा अपने साथी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पेड़ों पर अजीब तरह से बैठते हैं। वैसे क्या आप किसी ऐसे पक्षी या जानवर के बारे में जानते हैं जो अपने साथी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अजीब तरह की हरकतें करता है? नंबर 2, गोल्डियन फिंच। गोल्डियन फिंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़ियों में से एक माना जाता है। बात की जाए इन पक्षियों के कलर्स की तो एक मेल का फेस ब्लैक और रेड कलर में पाया जाता है। इसके अलावा एक मेल के शरीर का पिछला हिस्सा जहां ऑलिव ग्रीन कलर में पाया जाता है, वही शरीर का अगला हिस्सा पर्पल और इनका बेली यानी पेट पीले रंग में रंगा होता है। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं। वही बात की जाए मादाओं की तो उनके शरीर पर भी करीब करीब यही रंग पाए जाते हैं, पर उनके शरीर पर मौजूद ये रंग काफी ज्यादा चमकीले होते हैं। यही वजह है कि ये दिखने में कमाल के खूबसूरत लगते हैं। वैसे इन खूबसूरत दिखने वाले पक्षियों से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह अंधेरे में भी चमकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने छानबीन करनी शुरू कर दी है। नंबर 1, ब्लू ग्रे टैनेजर। ब्लू ग्रे टैनेजर को इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नन्ही चिड़िया दिखने में कमाल की खूबसूरत होती है। इसका कारण है इनके शरीर पर पाया जाने वाला नीला रंग, जो दूसरे पक्षियों के शरीर पर पाए जाने वाले नीले रंग की तुलना में काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत है। बता दे कि इन पक्षियों के शरीर पर पर्पलिश ब्लू और सफायर ब्लू जैसे कलर्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। वहीं इनके पंख भी नीले रंग के पाए जाते हैं। अमेरिका से लेकर कैरेबियाई देशों में पाए जाने वाले इन खूबसूरत दिखने वाले पक्षियों को खास तरह की आवाज निकालने के लिए भी जाना जाता है। इनकी आवाज कोयल से कम मधुर नहीं होती। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इस पक्षी को पहला स्थान क्यों दिया है। दिखने में खूबसूरत लगने के साथ साथ जिस पक्षी की आवाज भी कोयल की तरह मधुर हो तो उस पक्षी का पहले पायदान पर आना लाजमी है। वैसे क्या आपकी नजर में कोई ऐसा पक्षी है जो हमारी इस लिस्ट में शामिल किए गए पक्षियों से भी ज्यादा खूबसूरत है? और अगर है तो इस खूबसूरत पक्षी के बारे में हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।